हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास फिफ्थ का इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ेंगे, चैप्टर सेकंड। चैप्टर फर्स्ट हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर सेकंड है द वाइज पिजन, एक बुद्धिमान कबूतर। देयर लिव्ड अ पिजन इन अ मैंगो ट्री। मैंगो ट्री में पर पिजन रहता था। द पिजन्स फैमिली consist of his wife and two beautiful children. पिजन की जो फैमिली में कौन कौन थे, उसकी पत्नी और उसके दो बच्चे। The wings of the children had not yet grown, hence they were not able to fly. जो पिजन के जो बच्चे थे, कबूतर के जो बच्चे थे, उनके जो पंख थे वो सही से बड़े नहीं हुए थे, जिसकी वजह से वे उड़ नहीं सकते थे। Every morning the pigeon and his wife used to set out इन सर्च ऑफ फूड। हर सुबह पिजन यानी कि कबूतर और उसकी वाइफ जो है वो खाने के लिए जाते थे, कि खोज में जाते थे। दे यूज टू रिटर्न बिफोर द फॉल ऑफ नाइट, और वो रात होने से पहले ही वापस आ जाते थे। द चिल्ड्रन वर हैप्पी टू सी देयर पेरेंट्स बैक होम, और बच्चे मम्मी पापा को अपने घर आता हुआ देख के बहुत ही खुश हो जाते थे। ऑन द सेम मैंगो ट्री देयर आल्सो लिव्ड अ मंकी नेम्ड कालू। उसी मैंगो ट्री पे एक और जानवर रहता था, मंकी यानी कि बंदर, उसका नाम क्या था, कालू। ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ टू बी वेरी पावरफुल एंड सो ऑफन टुक अ फाइट विद द बर्ड्स ऑन पिटी शूज। वो क्या था, वो अपने आप को बहुत ही पावरफुल यानी कि बहुत ही शक्तिशाली समझता था, और वो हर छोटी छोटी बातों पे वहाँ के जो दूसरे पक्षी थे उनसे लड़ता रहता था। ऑल द बर्ड्स ऑन द ट्री वर अफेयर्ड ऑफ द मंकी। जो उस पेड़ के जो सारे पक्षी थे वो उससे बहुत ही डरे हुए और दुखी रहते थे। दे वर इन अ फैक्ट सिक ऑफ हिम, उनको उसका एक डर था। बट नन ऑफ देम कुड डेयर टू ऑब्जेक्ट, लेकिन इसके आगे उनके लिए कोई साहस भरा कदम भी नहीं था कि उससे वो लड़ पाए। वन डे कालू प्राउडली सेड टू द बर्ड्स, एक दिन कालू ने क्या किया कि बर्ड से बहुत ही घमंड के साथ कहा, आई एम द मोस्ट पावरफुल अमंग यू, मैं तुमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। डज यू हैव टू पे मी रिगार्ड्स एवरी टाइम यू पास माई वे, यानी कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, जब भी मेरे रास्ते से होके जाओगे तो तुमको पैसा देना पड़ेगा, मुझे कुछ देना पड़ेगा। द पिजन हु डिड नॉट लाइक द मंकी हाउटीनेस सेड, ब्रदर कालू इट इज नॉट वाइज टू बॉट्स। जो पिजन था, जो कबूतर था, उसने उससे कहा, क्योंकि वो उसकी इस बात से खुश नहीं था, तो उसने कहा कि भाई कालू, यह जो है वो सही नहीं है। यू विल गेट रिस्पेक्ट इफ यू बिहेव पोलाइटली, तुमको अपना जो व्यवहार है वो थोड़ा शांत करना चाहिए, नरम करना चाहिए। द मंकी बिकम्स फ्यूरियस एट द सिचुएशन मेड बाय द पिजन। उस समय क्या हुआ कि मंकी थोड़ा गुस्से में आ गया, थोड़ा। द नेक्स्ट इवनिंग The pigeon returned home and found his nest totally destroyed. जब अगली बार, अगली शाम को सुबह वो पिजन उठ के वापस, जो दोनों थे पति पत्नी, वो खाने की तलाश में चले गए, लेकिन जब वो शाम को वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि उनका जो घर था वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। He was shocked to see his children lying unconscious. Immediately the pigeon learned who had done all that. वो बहुत ही शॉक में हो गया कि जब उसने देखा कि उसके जो बच्चे हैं वो ऐसे ही बेहोश धरती पे पड़े हुए हैं, तो जो कबूतर है वो तुरंत समझ गया कि ये सब माजरा क्या है। He quietly started building his nest all over again. लेकिन उसने उसका कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने क्या किया, फिर से शांत मन से अपना जो घर है वो फिर से बनाने लगा। बाय डाउन द पिजन लिविंग हिज चिल्ड्रन अंडर द केयर ऑफ हिज वाइफ। तब तक क्या हुआ कि पेड़ के नीचे जो उसके बच्चे थे वो उसकी पत्नी की
साथ रह रहे थे, लेफ्ट होम फॉर फूड। अब उसने क्या किया कि वो घर बना लिया, लेकिन अगली बार से जब उसकी जब वो खाना लेने के लिए जाता था तो उसकी पत्नी को उसके बच्चों के साथ छोड़ के जाता था। अगला जो है इसका जो पूरा चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।